मैं आज आपको पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया मतलब शक की बीमारी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो है स्किजोफ्रेनिया, इसको छिन्न मानस भी बोलते, मतलब मानस जो अपना माइंड जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, छिन्न हो जाता है। मतलब लॉजिक जो है, रैशनल थिंकिंग जो है, वास्तविकता जो है, उससे उसका संपर्क नहीं रहता। तो उसमें आदमी बड़बड़ करना, अपने आप से बातचीत करना, नींद नहीं आना, कोई हरकतें करना। तो इसमें ये जो स्किजोफ्रेनिया बीमारी, इसमें काफी सारी बीमारियां हैं ये स्किजोफ्रेनिया बीमारी के अंदर। उसमें का एक जो है जो पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया करके, पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया मतलब शक की बीमारी, उसके बारे में मैं आपको भी जानकारी देने वाला हूं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को शक आता है और शक उसको हर बात पे, हर लोगों पे आते रहता है। शुरू होता है वो एकदम छोटी सी बात से, वो बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो शक कौन सा है? उसको शक आता है कि भाई मेरे बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, या पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी। तो मतलब घबरा के छिप जाता है घर। उसको लगता है कि नहीं, अपने बारे में लोग बातें कर रहे हैं, अपने बारे में टीवी में, अपने बारे में रेडियो पे, अपने बारे में अखबार में कुछ अलग अलग बातें छपी जा रही है। कहीं भी दिखा तो उसको शक आता है लोगों के ऊपर, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहा है या मुझे देख के वो हंस रहा। मतलब ऐसा लगता है उसको कि जो लोग बातें कर रहे हैं आपस में वो इसको देख के हंस रहे या उसको देख के बातें कर रहे। उसको घर के व्यक्तियों के ऊपर शक आता है, अपने पत्नी के ऊपर शक आता है कि इसके बाहर कोई संबंध है, या फिर इसके ये मुझे कुछ मिला के देती है क्योंकि इसके संबंध है तो मुझे मारना चाहती है। ये इतने मतलब इसमें मतलब गहरा इसका असर हो जाता है कि वो अपने पत्नी को बाहर जाने देता नहीं, उसका मोबाइल छीन लेता है क्योंकि उसके बाहर संपर्क है, और बाहर कहीं ना कहीं ये संपर्क रखती है, उसके कोई दोस्त है या कोई आदमी है कि जिसके साथ में ये संपर्क करती है, दोस्त है, तो बाहर जाने देता नहीं, उसको घर में बिठा के रख देगा। कुछ व्यक्ति भी, मेरे तरफ एक पेशेंट आया था, वो अपने पत्नी को रात को संकली से बांध के रखता था, तो ये रात में कहीं भी जाती है और संबंध करके आ जाती है। कुछ कुछ लोग तो अंदर से ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास में रखते ताकि पत्नी बाहर ना जाए कहीं। तो इस तरह के मतलब अलग अलग शक उसको दिमाग में आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा शक लगता है कि मेरे अनाज में, मेरे खाने में कोई जहर मिला रहे और मुझे मार डालेंगे, घर को घर में खाना भी नहीं खाता, मतलब घर के लोगों के ऊपर भी शक आता है उसको, तो घर में खाना नहीं खाएगा, अपने हाथ से बना के खाएगा या बाहर जाके खाना खाएगा। अब इसके साथ साथ लोगों को आवाज भी कान में आती है, जैसा ये शक विचारों का है उसको बोलते हैं डेल्यूजन, पैरानॉइड डेल्यूजन बोलते हैं। वैसे कानों में जो आवाज आते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, मतलब भ्रम, कान का भ्रम हो जाता है, जिसमें उसको आवाज आते हैं कि देखो देखो लोग मारने आ रहे, देखो मेरे को आवाज आ रही है कि लोग मेरे को मारने आ रहे, लोग मेरे को पकड़ने आ रहे। फिर उसको कान में आवाज आती है कि भाई उसके ऊपर लोग रनिंग कमेंट्री करते हैं, मतलब उसको ऐसे कुछ तो भी आवाज सुनाई आती है कि वो व्यक्ति ये जो जो कर रहा है ना उसकी रनिंग कमेंट्री कर रहा है, और वो रनिंग कमेंट्री करके उसको बता रहा है कि क्या कर रहा है, इसको बता रहा है, लोगों को बता। फिर कुछ लोगों को ऐसी आवाज आती है कि वो आवाज जो है वो उसको आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि ये कर, वो मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा उसको आदेश दे रहा है। उसको पूछा कि वो व्यक्ति है कौन, तो उसको मालूम नहीं कि कौन व्यक्ति है, बोलते मालूम नहीं कौन है, तो कभी बोलता कि नहीं नहीं मुझे जाने पहचाने आवाज लगते, कभी बोलता मेरे को मालूम नहीं किसकी आवाज है, और कोई तो भी बोल रहा है, कोई तो भी बातें कर रहा है, तो उसका आजू बाजू में कोई भी नहीं रहा तभी उसको आवाज सुनाई आती रहती और उसके वो खिलाफ की आवाज रहती। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे विचार जो है वो लोगों को मालूम हो जाते हैं, आप या इसको लगता है कि लोगों के विचार इसको मालूम हो जाते हैं। अक्सर ये रहता है कि इसके विचार लोगों को मालूम होते हैं और लोग इसके विचार खींच लेते हैं बाहर, और खींच लेके उनको मालूम हो जाते हैं विचार, ऐसा उसको लगता है। मतलब ये पूरी विचारों की बीमारी है, उसमें कोई लॉजिक नहीं,
उसको कुछ ऐसा लगता नहीं कि मतलब वो उसको पूछा कि सच्ची है क्या ये, बोले हाँ मेरे को पक्का पता है सच्ची है और ऐसे ही होते रहते हैं। तो उसको लगता है कि नहीं पूरा पक्का ऐसे ही होने वाला है, ये सच्ची है ऐसा बोलता है वो, और उसका उसके ऊपर विश्वास उसको रहता है। हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बीमारी जो है जिनको लोग जो इनको जो इनको बीमारी है वो अच्छी हो सकती है, उसको अच्छा करना चाहिए। तो वीडियो को ये चैनल को लाइक करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच।